ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। कोरोना वायरस के चलते जनपद हापुड़ की सीमा में कैद राहगीर। यूपी के जनपद अमरोहा व हापुड़ की सीमा में अपने कामकाज छोड़कर आने जाने वाले राहगीर कैद होते नजर आ रहे हैं, जो कि अपने कामकाज को छोड़कर अपने गंतव्य को जा रहे हैं, लेकिन हापुड़ पुलिस प्रशासन उन्हें हापुड़ जनपद की सीमा में कैद करता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला जनपद अमरोहा व जनपद हापुड़ की सीमा में आने वाले ब्रजघाट पुल के पास का है, जहां जनपद हापुड़ की तरफ से आने वाले राहगीरों को हापुड़ पुलिस प्रशासन द्वारा अपने गंतव्य को जाने से रोका जा रहा है। ये कहानी एक दिन की नहीं है, बल्कि जब हमारी प्राइम न्यूज 24 की टीम ने यह सब नज़ारा अपनी आंखों से देखा तो उन राहगीरों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वह लोग 3-4 दिन से जनपद हापुड़ की सीमा में आने वाले ब्रजघाट पुल के पास कैद हैं, जिन्हें समय पर ना ही तो खाना मिल पा रहा है, यहाँ तक कि उनके पास छोटे नन्हे बच्चे भी हैं। वहाँ पर मौजूद लोगों की संख्या की अगर बात की जाए तो लगभग 300 से 400 के बीच वहाँ पर लोग मौजूद हैं, जिनमें उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। नमस्कार, मैं हूँ काविंदर सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं गढ़गंगा के निकट में, जहाँ पर जो बाहर से आवागमन जिन आदमियों का हो रहा है वहाँ पर अब हम मौजूद हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लगभग सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, जो कि मजबूर हैं अपने घर ना जाने के लिए, जिनको पुलिस द्वारा रोका गया है, जो जिनके पास अपना खुद का सामान है, छोटे बच्चे हैं जो परेशान हैं बेचारे, उनको जो नहीं जाने दिया जा रहा है गढ़ सीमा से बाहर के लिए, अमरोहा की सीमा के अंदर। मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो दिखाए कि कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उसके लिए जो खाने के लिए भी जिनको समय से भोजन नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम है आपका? जी, रामू मिश्रा। अच्छा, कहाँ से आए आप? गाजियाबाद से, खोड़ा कॉलोनी। अच्छा, यहाँ क्यों रुके हुए आप? यहाँ रुके हुए हैं, आगे पुलिस वाले मार रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, क्या बोला पुलिस वालों ने? पुलिस वाले कह रहे हैं कि वापसी जाओ। आप जाना कहाँ पर है? आप जाना हमें गोंडा जगह पर। कहाँ पर रुका आपको? जी ये हापुड़ जगह है। कहाँ पर? ये जी है, क्या नाम है, गढ़गंगा है जी। क्या दिन हो गए आपको यहाँ पर? जी हमें 3 दिन हो गए। खाने वाना मिला? जी खाना तो मिला है। और कौन कौन है आपके साथ? जी मैं 3 लोग हूँ। आपका? आप यहाँ पर जो रुके हुए हैं, क्यों रुके हुए हैं ये बताइए। अरे यहाँ पुलिस वाले निकलने आए दो है। कहाँ से आए हैं? झज्जर से आए। अब जाना कहाँ है आपको? बरेली जाना है। कितना समय हो गया आपको यहाँ रुके हुए? अरे 3 दिन हो गए लगातार यहाँ पे। तो खाना हमको तो मिल गया है, मगर बच्चों के लिए बहुत परेशानी हो रही है। तो अब ये आगे से यहाँ से पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे? जाने नहीं दे रहे, ऐसे खाना खा रहे हैं, मेरे बच्चे भी मरे जा रहे हैं। कितने लोग हो आप? 35 लोग हूँ मैं। छोटे छोटे बच्चे सबके पास, 15-15 दिन के बच्चा है, जैसे ही जिनके काम मतलब आजकल घुसन गया है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है, लोग इधर से उधर अपने घर जा रहे हैं, लोगों को सुरक्षित घर तक पहुंचाने के लिए सरकार ने भी कदम उठाए हैं, लेकिन हापुड़ की पुलिस की तानाशाही का मामला यहां पर सामने आता दिखाई दे रहा है, जो अपनी तानाशाही में 3-4 दिन से फंसे राहगीर जो अपने घर वापस जा रहे हैं, जिनमें पुरुष व महिलाओं के साथ 1 महीने के ननिहाल बच्चे भी शामिल हैं। हापुड़ पुलिस की अगर बात की जाए तो हमारी टीम ने जब गुरमुक्तेश्वर कोतवाल राजपाल तोमर से उनके खाने और रहने की व्यवस्था के बारे में पूछा तो उन्होंने बेझिझक कह डाला कि इन राहगीरों को खाना मैं खिलाऊंगा। यहां पर यह भी सवाल ज़रूर खड़ा होता है, क्योंकि इस स्थिति को देखकर शासन को अवगत तो कराया जा सकता है, लेकिन वह तो अपनी तानाशाही पर लोगों को रोब जमाते दिखाई दे रहे हैं। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए अमरोहा से काविंदर सिंह की रिपोर्ट।